hello viewers i welcome you all at ranjan is today is the third episode of our series on international and regional organization in the previous video we learned about league of nation why it was formed and why it failed and in that video i told you as well that league of nation was succeeded by united nations so in today's video we will learn about united nations why it was formed and how it was formed what was the process in the formation of united nation and what are the various organs of the un so let's start कमिंग टू द बैकग्राउंड सो यूनाइटेड नेशंस को डायरेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कैसे आया पिक्चर में कैसे बना और उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए क्या क्या स्टेप्स लिए गए तो जैसा हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर वारेकेंड जैसे ही 1939 में स्टार्ट हुआ तो वहीं पे लीग लीग जो जो है एक फेलियर साबित हुई क्योंकि का जो बेसिक हैजेंडा था, था कि नेक्स्ट विश्व युद्ध को होने से रोकना वही करने में वो फेल हुई तो उस टाइम जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनको ये समझ में आ गया कि हमें कोई ना कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो लीग से ज्यादा पावरफुल हो और लीग से ज्यादा सक्सेसफुल हो तो उस डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स लिए गए जैसे कि सबसे पहले उन्होंने साइन किया डिक्लेरेशन ऑफ एस टी जेम्स पैलेस तो इसमें हुआ क्या कि जो सारी पावर्स थी ब्रिटेन फ्रांस नीदरलैंड एक्सेट्रा वो सब एक तरफ मिल गई और वो लंडन में मिलते हैं और ये डिक्लेरेशन साइन करते हैं वो सब इसमें क्या डिसाइड करते हैं कि हम सब मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे और ये विश्व युद्ध जो है जीतेंगे उसके बाद साइन करते हैं सेकेंड एटलांटिक चार्टर नाइनटीन में तो एटलांटिक चार्टर जो होता है इसका नाम एटलांटिक चार्टर इसलिए है क्योंकि ये एटलांटिक जो महासागर है उसके बीच में कहीं साइन किया गया था तो ये ब्रिटिश नेवी का बेसिकली बैटलशिप है और इसमें यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ये दोनों मिलते हैं और एटलांटिक चार्टर को साइन करते हैं तो इस चार्टर को जब ये साइन करते हैं उस टाइम यूएस बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर नहीं हुआ होता है तो ये दोनों मिलते हैं डिस्कस करते हैं और ये कहते हैं कि पहले तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतेंगे मिलकर लड़ेंगे जर्मनी के खिलाफ और उसके बाद हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे एक ऐसा सिस्टम सेटअप करेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी का ताकि दोबारा से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो और वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी जो है वो मेनटेन रहे उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो ये किया जाता है वॉशिंगटन डीसी में फर्स्ट जनवरी को। मॉस्को जो further strengthen करता है इस आर्ग्यूमेंट को कि हाँ हमें एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन की लीग से बेटर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है Then, जो 1943 में होती है उसके बाद डम्बार्टन ओक्स एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस तो याल्टा बेसिकली यूक्रेन के क्रीमिया में एक प्लेस है वहां पे कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी ये एक्सेप्ट किया जाता है दैट वी नीड ए मोर रोबस्ट एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन दिन द लीग देन फाइनली इन द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 26 जून 1945 में फाइनली यूएन का जो चार्टर है वो साइन किया जाता है तो ओरिजिनली जो है वो 51 वन मेंबर नेशन इसको साइन करते हैं और बाद में धीरे धीरे बाकी जो जैसे नेशंस डीकोलोनाइज होते जाते हैं वो भी यूएन का पार्ट बनते जाते हैं सो so बेसिकली ये है डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो 1942 में वॉशिंगटन डीसी में साइन किया गया था उसके बाद ये याल्टा कॉन्फ्रेंस की एक पिक्चर है देन दिस इज सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जहां पे फाइनली जो यूएन का चार्टर है उसे साइन किया गया और ये भी इमेज किसकी है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस की ही तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हमें एक आइडिया देती हैं कि कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप इनिशिएटिव लेके फाइनली यूएन तक पहुंचा गया तो दिस इज दू एन चार्टर विच वॉज साइंड इन सैन फ्रांसिसो बेसिकली उस टाइम पे इतना क्लैरिटी नहीं था क्योंकि टाइप राइटर वगैरह से टाइप किया जाता था एंड दिस इज द प्रियम्बल ऑफ द यू एन तो प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन ही क्या कह रही है प्रियांबल की फर्स्ट लाइन कह रही है टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम दिस कर्ज ऑफ वॉर कि हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो आने वाली जनरेशन को वॉर से बचा सकें विच ट्राइस इन अवर लाइफ टाइम हैज ब्रॉडोल्ड सोरो हमारी एक जिंदगी में दो बार इतनी ज्यादा जो है तबाही लाई की जो इमेजिनेशन से भी बहुत अधिक थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही ऑलमोस्ट एट पॉइंट फाइव मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे और वन पॉइंट फाइव मिलियन से ज्यादा सिविलियन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तो इमेजिनेशन से भी बहुत अधिक था क्योंकि उसमें जापान पे क्या गिराए गए थे हिरोशिमा नागाजा की दे टू रीअफॉर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन इन द इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की डिग्निटी की जेंडर इक्वालिटी की इन सबकी चार्टर में क्या की गई है बात की गई है तो so, सबसे पहले जो मेजर ऑब्जेक्टिव था यूएन का वो क्या था पीस एंड स्टेबिलिटी धीरे धीरे उसमें और चीजें भी एड करी गई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सो स्टार्टिंग फ्रॉम टू डेज डिस्कशन तो आज का जो बेसिक डिस्कशन है उसका क्या है पर्पज यू एन के बारे में हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएन की टर्म है यूनाइटेड नेशंस वो किसने बनाई थी यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये वही है जिन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टर चर्चिल के साथ एटलांटिक में कहीं बीच में शिप में बैठ के क्या साइन किया था अटलांटिक चार्टर तो उन्होंने ये टर्म बनाई थी यूनाइटेड नेशंस ये कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्मली इस्टेब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे इसके 51 फाउंडिंग मेंबर्स एंड इंडिया भी जो क्या है ओरिजिनल मेंबर है यूएन का इवन प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया ज्वाइन यूएन प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं 193 और रिसेंटली जो ऐड हुआ है मेंबर वो है साउथ सूडान तो साउथ सूडान ने टू में 2011 में ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस को हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट कौन से हैं एंटोनियो ग्यूट्रस ये उनकी पिक्चर है इसको हमने फर्स्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था ऑफिशियल लैंग्वेज सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएन की फ्रेंच इंग्लिश रशियन चाइनीज अरेबिक एंड स्पेनिश और यू को और क्या बोला जाता है पार्लियामेंट ऑफ नेशंस सभी नेशंस वहां पे मिलते हैं डिस्कस डिबेट करते हैं इसलिए इसको पार्लियामेंट ऑफ नेशंस भी बोला जाता है वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोला जाता है बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कि यूएन इज नीदर सुपरा स्टेट नर गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स, तो इस बात को यहां पे याद रखना है कि पार्लियामेंट तो है नेशंस की लेकिन सुपरा स्टेट नहीं है जो लोगो है वो डिजाइन किया गया था उलि, लिंकन के ये अमेरिकन आर्किटेक्ट और इंडस्ट्रियल था डिजाइन पूरा ये सैन फ्रांसिस्को के कॉन्फ्रेंस के दौरान ही लॉन्च किया गया था तो इन्होने ये जो इसमें ऑनली ब्रांचेस है ये क्या सिंबोलाइज करती है पीस को ये जो दोनों जो लगाई गई है साइड पे दीज ऑल्ली ब्रांचेस सिंबोलाइजेस पीस और ये ब्लू कलर जो है यूएन के फ्लैग में इट आल्सो सिंबलाइज पीस और फिर जो ये वर्ल्ड मैप है जो इस पे बनाया गया है ये वो सभी रीजन को दर्शाता है जो जो यूएन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके लिए यूएन बहुत ही कंसर्न है जहां पर यूएन uh, जो है वो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना चाहता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट यू एन सिंबल एंड फ्लैग कभी एक मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जो यू uh, एन जो uh, सिंबल है उसमें जो ऑलिव ब्रांचेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं तो वो पीस को रिप्रेजेंट करती हैं और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये वो पूरे वर्ल्ड मैप जो है ये सभी उन रीजन्स को दर्शाता है जो यूएन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे यूएन जो है वो पीस और सिक्योरिटी को मेनटेन करके रखना चाहती है तो ये आपको वन मार्क ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखना है मूविंग ऑन टू द पिलर्स ऑफ द यू एन तो पिलर्स जो हैं वो बेसिकली जैसे इसके जो चार्टर में है या जो इसके ऑर्गन्स का काम है जो यू एन का जो बेसिक मैंडेट है वैसे ही है सिमिलर लेकिन मैंने यहाँ पे डिफरेंटली यह इसलिए रखे हैं ताकि कल को अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम इन थ्री पिलर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द पिलर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज ना हो कि पिलर्स क्या हैं तो बेसिकली थ्री पिलर्स हैं पीस एंड सिक्योरिटी जो बेसिक इसका पर्पस है देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इसके बारे में डिटेल में फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं क्या उनका मैंडेट है देन ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज तो बेसिकली रिफ्यूजीज के इमिग्रेशन के देखना और ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स भी है यूएन का तो इन सब का तो ये बस इसलिए अलग से रखा है मैंने ताकि अगर ऐसा आपका कल का को कोई क्वेश्चन बने कि आप थ्री पिलर्स यूएन के डिस्कस करें तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो या वो क्वेश्चन आप छोड़ के ना आ जाए उसमें एटलीस्ट अगर आपको ये बेसिक बेसिक हेडिंग्स पता होंगी तो आप उस पर एलेबोरेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द यूएन तो ऐसे तो यूएन के बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं टू मेंटेन पीस टू मेंटेन सिक्योरिटी यूनिवर्सल यू नो ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्सेट्रा चाइल्ड लेबर को रोकना या चाइल्ड की डेवलपमेंट को देखना जेंडर इक्वलिटी दिस सो मैनी बट सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू मी यू का क्या है कि यू पूरी धरती पर एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर सभी जो देश हैं वो मिल सकते हैं अपनी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं और उनके लिए सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ सकते हैं जो सभी ह्यूमैनिटी के लिए क्या हो बेनिफिट हो जो पूरे वर्ल्ड के लिए हेल्पफुल हो पूरे वर्ल्ड को जो है उस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प कर सके तो ऐसा यूएन के अलावा कोई भी और ऐसी जगह नहीं है पूरी दुनिया में जहां पर सारे नेशन जो हैं वो आकर मिलते हो बाकी सब जैसे आप जानते हैं यूएन के अलावा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं तो वहां पे कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज होती हैं या ऑब्जर्वर नेशंस होते हैं या जो गेस्ट इन्वाइटेड होते हैं सिर्फ वही आते हैं बट यूएन इज द ओनली प्लेस तो ये इसलिए भी इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो ये एक तरह से ईस्ट और वेस्ट का कॉन्फ्रेंटेशन ज्यादा है फिर भी यूएन एक ऐसी जगह है यहां पर पुतिन बाइडन सब आके मिल रहे हैं और डिस्कस डिबेट कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि कोई तो एक कॉमन जो है वो मीटिंग पॉइंट है सभी देशों के लिए प्रिंसिपल ऑर्गन्स तो यूएन के बेसिकली छह प्रिंसिपल ऑर्गन हैं फर्स्ट इज यू जनरल असेंबली तो हम सभी ऑर्गन के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे हर एक, एक एपिसोड में सेकेंड इज यू सिक्योरिटी काउंसिल थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोर्थ इज सेक्रेटेरिएट फिफ्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सिक्स इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो बेसिकली अभी क्लोज हो गई है तो हम बाकी पांच को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे आईसीजे जो है वो सक्सेसर है किसका पीसीआईजे का हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था कि पीसीआईजे क्या है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस तो ये जैसे लीग से आगे यूएन बन गया और पीसीआईजे से क्या बन गया आईसीजे तो ये यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है ये बेसिकली वही कोर्ट है जिसका नेम चेंज किया गया है और लीग ऑफ नेशन में भी एक काउंसिल थी जिसमें पी फोर में कितने हैं एट प्रेजेंट परमानेंट मेंबर्स और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देन सेक्रेटेरिएट तो इन सब ऑर्गन्स को हम वन बाय वन जो है वो अभी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आ गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो मेन डिलीवरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का इसकी सबसे खासियत क्या है सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि इसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन मीन की जो वन मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो सारे के सारे किसके मेंबर हैं यूएनजी के असेंबली के मेंबर्स हैं और सभी यहाँ पर मिलते हैं यहां पर ही डिस्कस डिबेट करते हैं और सब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर एक मेंबर का यहां पे इक्वल वोट है जैसे वन नेशन इज इक्वल टू वन वोट तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी काउंसिल की तरह वीटो पावर या ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसीलिए यूएन जो है वो एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का जो एस्पेक्ट है उसको दर्शाता है डिस्कस एनी मैटर्स अराइजिंग अंडर द चार्टर तो जो जनरल असेंबली है वो हर एक तरह के मैटर को डिस्कस करती है यो, जो भी यू चार्टर में जो मैंशन किए गए हैं चाहे वो जेंडर के रिलेटेड हो एजुकेशन के रिलेटेड हो पेंडेमिक के रिलेटेड हो या सिक्योरिटी के रिलेटेड एनी मैटर देन टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिमेंबर रखने वाली बात है एग्जाम परस्पेक्टिव से कि जब यू एन में जनरल असेंबली में कुछ डिस्कस डिबेट किया जाता है या कोई रेजोल्यूशन वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है तो रेजोल्यूशन को पास करने के लिए दो तरह के वोटिंग पैटर्न जो हैं उनको फॉलो किया जाता है एक जो होता है रेजोल्यूशन पास करने के लिए उसमें टू थर्ड मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है ये कुछ स्पेशल केसेस के लिए है जैसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एडमिटिंग न्यू मेंबर्स इलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड इकोसॉक मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में जैसा हम सब जानते हैं कि वहां पे पी फाइव है प्लस टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट कौन करता है जनरल असेंबली तो जब वो उनको सिलेक्ट करती है तो उसमें किस पैटर्न को फॉलो करते हैं वो वोटिंग के टू थर्ड मेजोरिटी पैटर्न को इको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स को भी इलेक्ट करने के लिए टू थर्ड मेजोरिटी का पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है और एडमिटिंग न्यू मेंबर्स जैसे कोई नया नेशन आ जाता है फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टीन अभी तक यूएन का मेंबर नहीं बना है या ताइवान नहीं बना है तो जो वो आ जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हमें भी यूएन में शामिल कर लो नेशन स्टेट दर्जा दे दो तो उसके लिए भी कौन सा वोटिंग जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाएगा टू थर्ड मेजॉरिटी का उसके बाद बजट रिलेटेड कि यूएन का जो बजट है उसको कैसे डिवाइड करना है कैसे उसका यूज करना है उसमें भी टू थर्ड मेजॉरिटी जो पैटर्न है उसको यूज किया जाता है और उसके बाद सिंपल मेजोरिटी बाकी जितने भी बाकी मैटर्स हैं उन सबके लिए कौन सा फॉलो किया जाता है रूल सिंपल मेजोरिटी का इन कंटिन्यूएशन असेंबली जो है उसका सेशन जो है वो पूरा एक साल चलता है लेकिन स्टार्ट कब होता है उसका सेशन हमेशा मिड सितंबर में तो इस साल कब स्टार्ट हो रहा है सेशन फाइव सितंबर को नेक्स्ट मंथ फाइव को जनरल असेंबली का न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट होगा देन जो जनरल असेंबली है वो हर साल एक प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करती है तो हर साल जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट हो या हेड हो वो चेंज होता है और उसको इलेक्ट भी कौन करती है जनरल असेंबली तो ही और शी जो भी होंगे प्रेजिडेंट वो इन सभी मीटिंग्स को हेड करेंगे और वो एक न्यूट्रल पार्टी की तरह एक्ट करेंगे सपोज करो कि वो इंडिया से हैं तो वो इंडिया को नहीं देखेंगे या हमारे रशिया के साथ अच्छे रिलेशन हैं तो रशिया को देखेंगे नहीं वो एक न्यूट्रल पार्टी वो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव बनके ही वहां पे रिएक्ट करेंगे वो वहां पे बायस नहीं हो सकते देन बिगिनिंग ऑफ ईच रेगुलर सेशन जैसे अभी सेप्टेम्बर में सेशन स्टार्ट होंगे तो असेंबली में दो हफ्तों तक लगातार जनरल डिबेट चलती है जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट जो है वो मिलते हैं और काफी वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ को जो है डिस्कस करते हैं जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो पीस एंड सिक्योरिटी से लेकर वॉर टेररिज्म डिसीज पॉवर्टी सभी इशूज को वो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं इसका बेसिक क्या एजेंडा है ये क्यों डिस्कशन डिबेट किए जाते हैं ये इसलिए किए जाते हैं कि आने वाले पूरे साल के लिए जो आगे पूरा साल है उस पर अस... क्या क्या असेंबली पर जो है एक्शन लेगी क्या क्या डायरेक्शन में काम करेगी तो उसका जो थीम होता है वो यहीं पे डिस्कशन डिबेट्स में सेट कर दिया जाता है लीडर्स के द्वारा जो दो हफ्तों तक लगातार उनकी जो डिबेट्स होती हैं वो चलती हैं असेंबली जो है वो स्पेशल और एमरजेंसी जो सेशंस होते हैं वो भी बुलवा सकती है तो जो स्पेशल और एमरजेंसी सेशंस होते हैं जैसे एमरजेंसी कुछ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का थ्रेट आ गया जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया या फिर जब कोविड पैंडमिक काफ़ी ज्यादा फैलने लगा तब एमरजेंसी टाइम पे जो सेशन बुलाए गए तो वो 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं या फिर स्पेशल सेशंस तो आज तक असेंबली ने कितने स्पेशल और इमरजेंसी जो सेशंस कर दिए हैं 32 स्पेशल एंड इलेवन एमरजेंसी सेशन तो स्पेशल सेशन जो होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पे भी यहाँ जो जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं अगर मेजोरिटी ऑफ देवेस्टिंग सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर थीम और टॉपिक और इस इशू पे हमें करना चाहिए तब भी जो है असेंबली वो सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवा सकती है जो असेंबली का वर्क होता है वो बेसिकली छ मेन जो कमेटीज होती हैं और ह्यूमन राइट काउंसिल है और अदर सब्सिडरी बॉडीज और यू एन जो है ये सब मिलकर करते हैं तो असेंबली के जितने भी सारे काम हैं वो आपको याद रखना है कि कौन कौन करते हैं फर्स्ट इज सिक्स मेन कमिटीज देन ह्यूमन राइट्स काउंसिल देन अदर सब्सिडरी बॉडीज एंड यूएन सेक्रेटेरिएट सो जो छह मेन हैं जो जनरल असेंबली के डे टू डे काम को करती हैं या उनके एक्शंस को इम्प्लीमेंट प्लान करती हैं और आगे जो उनकी पॉलिसीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करती हैं वो कौन सी हैं फर्स्ट वन इज डिसोमेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो जनरल असेंबली है उसमें हर तरह के इशू जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं जो भी यू चार्टर के अंडर होंगे तो जैसे डिसामोमेंट को लेकर या इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेके तो उस के रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसको कौन देखेगी डिसमोमेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की कमेटी इकोनॉमी को लेके फाइनेंशियल को लेके कहीं इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है या इन्फ्लेशन हो रहा है तो उन सबको ये वाली कमेटी हैंडल करेगी सेकंड कमेटी देन थर्ड कमेटी वो जो है सोशल ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल वगैरह राइट्स को देखती है देन स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन इसका काम अभी बेसिकली कम ही है क्यों क्योंकि ऑलमोस्ट अभी सारी कंट्रीज जो है वहाँ पे डिकोलोनाइजेशन का प्रोसेस हो ही चुका है देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी बजट्स वगैरह को देखना कैसे यूज किया जाना है कहाँ पे कितना यूज किया जाना है देन लीगल लीगल इसलिए क्योंकि जनरल असेंबली जो है वो एक पूरी सहमति से या मिलजुल के या डिस्कस डिबेट करके लॉज भी कोडिफाई करते हैं तो उसको कौन देखता है लीगल कमेटी यहाँ पे एक पॉइंट और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया टू थर्ड मेजोरिटी एंड सिंपल मेजोरिटी उसके अलावा यू जनरल असेंबली जो है वो कंसेंसस मेथड को ज्यादा प्रेफर करती है कि सभी जो नेशंस हैं वो डिस्कस डिबेट करके एक कंसेंसस बना लें एक सहमति पे आ जाएं ताकि वोटिंग की जरूरत ही ना पड़े अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस और पावर्स क्या हैं जनरल असेंबली की अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस दी पावर्स ऑफ द जनरल असेंबली और फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली और द रोल ऑफ जनरल असेंबली सो यू कैन एलबोरेट ऑल दिस पॉइंट इन दैट क्वेश्चन सो फर्स्ट इज कंसिडर एंड अप्रूव यू बजट बजट को देखना देन जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और बाकी यूनाइटेड नेशन के काउंसिल या ऑर्गन के उनको सिलेक्ट करना तो बाकी किन किन के जैसे सबसे पहले नॉन परमानेंट मेंबर आगे पी फाइव तो ऑलरेडी हैं प्लस जो 10 होते हैं, उनको सिलेक्ट करना यू एन एस सी में बाकी कौन से जैसे आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनके जजेस को सिलेक्ट करना सेक्रेटरी जनरल जो है जैसे अभी कौन से हैं एंटोनियो तो उनको जनरल्स को सिलेक्ट करना देन थर्ड इज मेक रिकमेंडेशन

सीज़ पे तो उन सब की रिपोर्ट्स को डिस्कस डिबेट करना और उनको देखना देन प्रमोट इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉपरेशन देशों के मध्य क्या बढ़ा किस को बढ़ावा देना सहयोग प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑन इश्यूज अफेक्टिंग द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूएन ऑर्गन्स तो जो भी यूएन के ऑर्गन्स हैं उनके जो रिलेटेड इश्यूज हैं या उनके पावर्स हैं या उनके जो कैसे फंक्शन करेंगे उन सब पे रिकमेंडेशन देना देन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना ये मैंने पहले ही बता दिया देन मेक रिकमेंडेशन टू सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल को भी सलाह देना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे पर पता नहीं आजकल कहां है क्योंकि रशिया यूक्रेन पे भी नहीं कुछ हुआ पाकिस्तान में इतने क्राइसिस हो रहे हैं कि वहां भी मिलिट्री जो है उसने कंट्रोल ले ही लिया और नाइजर में तो जो हालत है उसके तो पूछो ही मत देन मेक रिकमेंडेशन फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ एनी सिचुएशन दैट फ्रेंडली रिलेशन अमंग कंट्रीज तो ऐसे से ऐसे मतलब चीज़ों को बढ़ावा देना या ऐसे कोई प्लान बनाना या ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करना ताकि जो देश हैं उनके मध्य जो है अच्छे रिलेशन बन सकें देन प्रमोट डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज ह्यूमन राइट्स ये मैंने पहले ही बता दिया कि जनरल असेंबली का एक सबसे बड़ा काम क्या है कि लॉज को कोडिफाई करना देन इस्टेब्लिश फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ मेम्बर स्टेट्स जो उनकी फाइनेंशियल असेसमेंट्स हैं जितने भी मेंबर्स हैं उनको असेस करना ताकि वो उस हिसाब से जो है यू में बजट में कॉन्ट्रीब्यूट कर सके देन प्रमोट इंटरनेशनल कोलेबरेशन इन द इकोनॉमिक सोशल ह्यूमैनिटेरियन कल्चरल एजुकेशन एंड हेल्थ फील्ड्स तो बेसिकली जो कुछ भी चार्टर में है उन सभी इशूज को कौन एड्रेस करेगा जनरल असेंबली तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो आपको याद रखनी है जनरल असेंबली की वो ये है कि जो जनरल असेंबली है वो एक ऐसा ऑर्गन है यूएन का यहां पर यूनिवर्सल जो है सबको रिप्रेजेंटेशन है वन नेशन इज इक्वल टू वन वोट वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल जैसा वीटो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाकी भी जो बाकी ऑर्गन्स हैं यूएन के में कहीं पर भी यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इकोसॉफ्ट में भी कुछ ही मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में तो बहुत ही कम परमानेंट एंड नॉन परमानेंट तो इसी तरह से ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें सभी नेशंस को इक्वल राइट्स हैं तो इस हिसाब से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जो है हम कह सकते हैं लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल बन जाती है क्यों क्योंकि जनरल असेंबली में जो भी डिस्कस डिबेट किया जाता है वो बाइंडिंग नहीं है जैसे कोई रेजोल्यूशन पास होता है या कुछ सेंक्शन वगैरह लगाए जाते हैं तो वो जो नेशंस हैं वो उनकी अपनी विल पे है कि वो उस रेजोल्यूशन को फॉलो करे ना करें मतलब वो बाइंडिंग नहीं है लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो बाइंडिंग है तो नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू